दोस्तों आज हम दिखाएंगे ऑसोबिलियन 4019 गाड़ी का BS4 गाड़ी में जो प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग का। दोस्तों इसका वजह बहुत सारा होता है, तो फास्ट आपको अगर मीटर में लाइन वाइन कुछ नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपका ये फ्यूज जो है, फ्यूज के अंदर सब फ्यूज खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये 40 नंबर फ्यूज है, इसका ऊपर वाला जो 5 नंबर फ्यूज है इसको खोलें। इसको खोलने के बाद देखिए ये सही है कि नहीं। तो इसको खोलने के बाद ये अगर सही नहीं होगा तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ऊपर में एक्स्ट्रा फ्यूज देता है, ये सब एक्स्ट्रा है, तब यहाँ से लेके अब लगा सकते हैं। तो ये फ्यूज अभी सही है फिलहाल। तो ये बीमारी हम लोगों का गाड़ी में बहुत आ रहा है, इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको चेक करना चाहिए, अगर ये फ्यूज अगर सही है और फिर भी लाइन नहीं आ रहा तो दोस्तों चेचिस में जो 8-3 का तार रहता है उसको एक बार चेक कर लें, चेचिस में 8-3 आ रहा है कि नहीं। ये 8-3 का फॉल्ट भी हो सकता है, हो सकता है आपका फ्यूज भी कटा। तो दोस्तों यही दो चीज ज़रूरी है चेक करना BS4 गाड़ी में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों फ्यूज बॉक्स का उल्टा साइड में ये रहता है, ये जो 5 नंबर IGN SWIP 5A, ये वाला फ्यूज आप सबसे पहले चेक करें। काहे के लिए ये 5 नंबर फ्यूज इसका बहुत कटने का बीमारी है। और दूसरा बात, अब 8-3 को ज़रूर चेक कर लें, अगर ये फ्यूज कटा होगा तो इसको लगाएंगे तो दोस्तों मेरा पूरा भरोसा है आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा फ्यूज खोलने का ज़रूरत नहीं है, खाली 5 नंबर फ्यूज खोलना है।